हेलो एवरी वन आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज़ ये वीडियो काइंड ऑफ लाइक एक लास्ट कॉल है बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव लॉन्च आवर थ्री पॉइंट ओ वर्जन फॉर द एडवांस् बैक एंड डेवलपमेंट बूट कैंप राइट यू गाइज शोड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स लॉड ऑफ यू गाइज हैड अ लॉर्ड ऑफ क्वेरीज सो आई थॉट कि पाँच से छः दिन आई एम नॉट श्योर कि हम लोग कब ये वीडियो पोस्ट कर रहे होंगे बट आई बिलीव पाँच से छः दिन में हमारे कोर्स लॉन्च होने वाला होगा राइट सो ये जस्ट एक Kind of like final reminder video that if you are planning to uh, pursue your career in backend engineering and you want to build some interesting projects and want to learn some really in trend technologies, then you can definitely check out uh, courses.algo.cam.io/learn. We have posted the course. with The course enrollments are on. They will be uh, on for a few more days. Uh, once the cohort starts, uh, then probably will be. Uh, नॉट टेकिंग अ लॉड ऑफ मोर एप्लीकेशंस पोस्ट दैट बिकॉज क्योंकि यार uh, जो कोर्स है वो लाइव कोर्स है राइट right? काफ़ी सारा जो प्री रेकिस कॉन्टेंट है uh, वो हमने रिकॉर्डेड भी रखा है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है राइट right? बट जो लाइव वाला पार्ट है एक बारी uh, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो बच्चों को थोड़ा कैचअप करने में इशू आता है राइट सो आई बिलीव दैट शुड बी वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू गो हैड विथ तो ये छोटा सा एक वीडियो था जस्ट फॉर गिविंग यू का इज अ रिमाइंडर कि क्या कुछ कोर्स हाईलाइट्स हैं सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यार जो मेजर बैक एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग वाला पार्ट है वो हम लोग लाइव रखने वाले हैं जो भी प्री रेकिट का पार्ट था कि यार जैसे जावा स्क्रिप्ट एक, एक पार्ट है क्योंकि जो भी बैक एंड है हम लोग नोट जेस में करने वाले हैं तो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का प्री रेकिट रहता है राइट तो जो भी प्री रेकिट्स हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट सीखने वाला बेसिक पार्ट या कई लोग होते हैं जिनको लिनिक्स का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता तो लिनिक्स सीखने वाला बेसिक पार्ट ये वाला जो प्री रेक्सेड पार्ट है हमने ऑलरेडी एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म प्रोवाइड करना स्टार्ट कर ही दिया है सो कोर्स स्टार्ट होने से पहले तुम उसको धीरे uh, धीरे देखना स्टार्ट कर सकते हो इन सारे पार्ट के हम लोग रिविजन क्लासेज भी रख रहे होंगे इनकेस अगर तुम्हें बहुत ही लॉन्ग रिकॉर्डेड वीडियोज़ की आदत नहीं है और लाइव में तुम्हारा इंट्रैक्शन ज़्यादा बढ़िया बनता है तो वो रिविजन क्लासेज तुम्हारी हेल्प कर रही होंगी राइट Uh, जितने भी लोगों ने एनरोल कर लिया ऑलरेडी उनको डिस्कॉर्ड एक्सेस प्रोवाइड हो गया है और अगर तुमने अभी जस्ट रिसेंटली इनरोल किया है तो दो से तीन दिन में तुम्हें डिस्कॉर्ड लिंक भी मिल जाएगा सो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिया जहाँ पे तुम्हारे पास टीचिंग असिस्टेंट्स होंगे यू कैन एक्चुअली आस्क योर डाउट्स गेट योर डाउट्स रिजॉल्व राइट जो भी लाइव क्लासेस हैं उसमें हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे uh, एक चीज़ मैंने जो मेंटेन करके रखी है इस कोर्स में वो ये ऐसा है कि ये कोई रिडंडेंट कोर्स नहीं है मतलब तुम देखोगे uh, काफ़ी सारे लोग जो मर्न स्टैक पढ़ा रहे हैं या फिर फुल स्टैक इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं बहुत ही रिडंडेंट से कोर्सेज हैं क्योंकि मोस्टली बस क्रेड ए बना देते हैं मोनोलिथ बना देते हैं और बेसिक uh, मोंगडीबी से कनेक्शन कर देते हैं बट जब तुम एक्चुअली कंपनी में जाते हो ना तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं राइट right? अभी भी लोग तुम देखोगे मतलब वो बहुत ही बेसिक सेट ऑफ एप बना रहे हैं एक्सप्रेस जेस यूज हो रहा है अभी भी, भी इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है ऐसी बात नहीं है बट एक्सप्रेस जे के भी बहुत बेटर ऑल्टरनेटिवस आ गए हैं तो अच्छे टॉपिक्स हम लोगों ने इंक्लूड करें जैसे एक्सप्रेस जे का ऑटरनेटिव हमने फास्टिफाई इंक्लूड करा एक्सप्रेस जे भी पढ़ रहे होंगे फास्टिफाई भी पढ़ रहे होंगे राइट जियो आ, लोकेशन डेटा को इंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल मोंगो डी बाई एस्ल डेटा बेसिस तो यार आजकल सबको ही आते होते हैं बट अगर तुमने जियो हैश डेटा पे काम किया हुआ है तो दैट विल एक्चुअली एड समथिंग एक्स्ट्रा टू या रेज्यूमर राइट जो भी हम लोग बना रहे होंगे ना वो थोड़े से आउटशाइन करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट रेफरेंस वाला पार्ट हम लोगों ने इंक्लूड कराया कि टॉप टेन स्टूडेंट्स को जो कि मोस्टली असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे होंगे लाइव क्लासेस में रेगुलर रहेंगे उनको मैं ट्राई करूंगा अपने फ्रेंड्स के थ्रू कम से कम एक से दो रेफरेंस दिलवाने की अब इंटरव्यू कॉल आए ना आए उनके उनके ऊपर है टैलेंट के ऊपर है है उनकी प्रोफाइल के ऊपर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल बनाई हुई है यू कैन एक्चुअली चेक दैट आउट राइट right. जो लाइव क्लासेस हैं हम लोग हफ्ते में दो से तीन रख रहे होंगे इसके बारे में जो भी एफ एक्स है तुम कोर्स पेज पे जाके देख सकते हो राइट right? तुम कूपन कोड यूज कर सकते हो बैक एंड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट राइट और जैसे कि मैंने कहा को, जो कोर्स का एजेंडा है वो ये है कि यार तुम्हें बस एक रेगुलर मन स्टैक डेवलपर नहीं बनाना है जो कि मतलब तुम मान लो कि इंडिया में जो भी लोग कोडिंग सीख रहे हैं या वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट सीख रहे हैं डेवलपमेंट वाला पार्ट सीख रहे हैं ऑलमोस्ट सब लोग कंसिस्टेंटली वही चीज़ कर रहे हैं राइट right? मैं भी रिसेंटली जेपी uh, के एक इवेंट में गया था मतलब ऑनलाइन इवेंट था रिज्यूमे रिव्यू का मैं तो मैं बता रहा हूँ मैंने बीस रिज्यूमे रिव्यू करे और सेवन रेज्यूमेज में सेम टू सेम प्रोजेक्ट था मतलब प्रोजेक्ट का लोगों ने नाम तक नहीं बदला हुआ था अंदर का कोड बदलना तो छोड़ो तो इतना ज़्यादा रिडंडेंट प्रोजेक्ट्स और मतलब सेम क्रड एपीआई बना बना के लोग चीज़ें कर रहे हैं और मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा एडेड इंजीनियरिंग वाला एलिमेंट नहीं है कि यार मतलब प्रोजेक्ट में ना कोई एंज प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो बट हमने कोर्ट में ये वाली चीज़ डेफिनेटली uh, मेंटेन करके रखी है कि यार किसी ना किसी तरह ना हम लोग कोई एच प्रॉब्लम सॉल्व करें या एक इंजीनियर परस्पेक्टिव से कोई ना कोई चीज़ करें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने करी है एक प्रोजेक्ट रखा है मैंने जहां पर हमारे पास पूरा डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका पूरा सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन होगा किसी मान लो सीनियर इंजीनियर ने एल सिक्स लेवल इंजीनियर ने हमें ऑलरेडी पूरा का पूरा डिजाइन बनाया हुआ है पूरा एलगोरिदम किस तरीके से सर्विसेज वगैरह सेटअप होनी है ये करा हुआ है और हमें एल थ्री या एल फोर लेवल मतलब एस डी वन या एस डी टू लेवल पे उसकी एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट करनी है राइट right? ये वाला प्रोजेक्ट ऐसा हो, होगा जो बहुत ही ज़्यादा हैंड होल्डिंग वाला प्रोजेक्ट नहीं होगा तुम काफ़ी सारी सारी चीज़ें खुद से बना रहे होगे हम लोग थोड़े से लाइव सेशंस में चीज़ों को फिगर आउट कर रहे होंगे डिप्लॉयमेंट्स कर रहे होंगे काफी मज़ा आएगा राइट सो डू चेक आउट द कोर्स करिकुलम मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि कोई भी तुम्हारे डाउट्स हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं क्या नहीं पढ़ने वाले हैं कोर्स करिकुलम जाके जरूर चेक करो काफ़ी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज लाइक जैसे GRPC हमने इंक्लूड सलूड कराए लाइब्रेरीज लाइक TRPC इंक्लूड पी सी कराए टाइप का यूज़ करके हम लोग बैकंड बनाने वाले हैं राइट right? काफी मजा आएगा आई बिलीव दिस वुड बी फन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट मैंने रखा है मशीन कोडिंग इंटरव्यूज़ का कि तुम मशीन कोडिंग इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर पाओ लो लेवल डिजाइन की हेल्प से राइट सो वो वो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होने वाला so, uh, sure है सो डू चेक आउट द कोर्स करिकुलम एंड इफ यू फाइंड इट रेलिवेंट डू मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर द कोर्स आई बिलीव की कोर्स की प्राइसिंग जनरस है कंसिडरिंग द फैक्ट कि यार मतलब मैं तुम्हें तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट कोर्स मैं तुम्हें तो पढ़ाने वाला हूँ और सब कुछ लाइव रहने वाला है uh, काफी सारे लोग तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करेंगे और जो चीज़ें हैं वो एच डी टू और बियॉन्ड लेवल पे हैं सो आई बिलीव वी हैव प्राइज्ड इट वेरी एग्रेसिवली और जो ओवरऑल कोर्स भी है ना थोड़ा सा एग्रेसिव फॉर्मेट uh, में ही चलेगा क्योंकि हम लोग बहुत ही ना वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये ऐसा कोर्स नहीं है कि जिसमें बस तुम्हें एक एक्सप्रेस जेस का प्रोजेक्ट बनाना सिखा दिया ए सेटअप करना सिखा दिया और बैक एंड से कनेक्शन सेटअप करा दिया हम लोग कोडिंग प्रैक्टिसस से लेकर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे कनेक्शन सेटअप होना है डिफरेंट डेटा की चॉइसेस कैसे क्या कुछ होने वाले बहुत सारे ना वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक देखने वाले हैं तो हमें ना कोर्स थोड़ा सा इसी पेस पे चलेगा कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे पता लग रही होंगी ओवरवेलमिंग भी हो सकता है तुम्हारे लिए बट जनरली अगर तुम मेरे पुराने कोर्स के फीडबैक्स देखोगे तो वी हैव एक्चुअली मेड श्योर कि यार मतलब कोई भी ऐसा ओवरवेलमिंग वाला पार्ट है ना तो हम उसको टाइम देते हैं कुछ भी भगाने की कोई जल्दी नहीं है हम लोग चार महीने में खत्म करें पाँच महीने में खत्म करें छः सात महीने में खत्म करें बट वी ट्राई टू मेक श्योर कि सब लोग एक सही पेस पर पे चले हम लोग ऐसा नहीं चाहते जो कोर्स के फास्टेस्ट बच्चे हैं उनको ही आगे लेके चलें या स्लो के हिसाब से बहुत स्लो कर दें एक मीडियम पेस पर चलने वाला है कोर्स तो मतलब आई बिलीव कुछ लोगों के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है बट आई बिलीव कि अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के आओगे दैट विल एक्चुअली मेक यू अ बेटर डेवलपर एंड यू विल से दैट यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर्स आउट देयर सो

Till then take care guys, bye bye. I'm Sanket Singh signing off.